हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज की सेशन में मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स क्रिएट किए जाएंगे। जिन स्टॉक को चूज किया गया है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स को क्रिएट करने के लिए, उस स्टॉक का नाम है HDFC बैंक। जैसा आप सभी को पता है कि हमने आपको थ्री स्टॉक्स रिकमेंड किया था, जिसमें श्रीराम फाइनेंस, HDFC और HDFC बैंक था। टोटल जो वोटिंग हुई है वो 26 हुई है और सबसे ज़्यादा जो लोगों ने पसंद किया है वो HDFC बैंक को किया है। सो इस लिहाज से हमें HDFC बैंक को चूज करना चाहिए और HDFC बैंक को हमने चूज किया हुआ है। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। केवल बस ऐसा नहीं, अपने फायदे के लिए मत सोचा कीजिए। कभी कभी ये भी सोच लिया कीजिए कि जो वीडियोस बनाता है, आपके कमेंट्स और एक लाइक से अगर उसका मनोबल बढ़ता है तो क्यों ना बढ़ा दिया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। होप सो हमारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं HDFC बैंक का चार्ट, और यहाँ पे चूंकि टाइम फ्रेम आप सभी को पता है कि मैं 15 मिनट ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स पहले 15 मिनट तो मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, मतलब उसमें कोई भी ट्रेड लेने से मैक्सिमम लोग बचते हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, और जो लोग वैसे हैं आओ सनम जाओ सनम उसका बात छोड़ दीजिए, वो लोग क्या करते हैं अगले मतलब कैंडल के साथ में उनकी कुछ अपनी स्ट्रेटजी रहती होगी, वो कैंडल के साथ में ओपनिंग हुआ लगा दिया, या तो ऊपर या तो नीचे, जो हुआ सो देखा जाएगा। लेकिन ऐसा सब कोई नहीं कर पाता है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो मार्केट को स्थिर होने देने का इंतजार करते हैं और आफ्टर डेट ही ट्रेड करते हैं, राइट? ट्रेंड पकड़ते हैं, आफ्टर डेट ट्रेड करते हैं। चलिए बिना समय गवाए जो है स्टार्ट करते हैं। पहला कैंडल इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, पहला कैंडल इंपॉर्टेंट होगा जो सभी को पता है। तो पहले कैंडल से, फर्स्ट कैंडल से आपको 7 पॉइंट्स एवर, ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए 7 पॉइंट्स बिलो, सपोर्ट्स के लिए। ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ हमें एक नंबर्स की जरूरत पड़ेगी जो हमारे जोन को क्रिएट करने में सपोर्ट करेगा, मतलब हमारी हेल्प करेगा। वीडियोस को पूरा देखिएगा, स्किप करके देखने से आपका ही नुकसान है, हमारा नहीं। अगर बीच में कुछ ऐसा पॉइंट जो मुझे बोलना है जो मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा या नहीं बोल पा रहा हूँ या मुझे याद नहीं आ रहा होगा, सो इस चीज का ध्यान रखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियोस को पूरा देखिएगा। तो आपको मैंने क्या बोला, 7 पॉइंट्स एवव, मतलब हाई से 7 पॉइंट्स और 15 मिनट्स की कैंडल्स के लो से 7 पॉइंट्स डाउन साइड में। तो यहां पे मैं ओपन करता हूं, देखिएगा। तो दोस्तों यहां पे मैं कैल्सी ओपन कर लेता हूं, और जैसा कि आप देख रहे हैं हाइज जो बना हुआ है डबल, माफ कीजिए, 1264 का बना हुआ है, और इसमें अगर 7 पॉइंट्स को हम ऐड कर देंगे तो 71 होता है, राइट? तो आप देख सकते हैं 71 के पास तो मार्केट गया भी नहीं, राइट? अगर हम बात करें डाउन साइड के लिए, और चूंकि पहली कैंडल्स का जो लो है वो है 1244, और इसमें से अगर 7 पॉइंट्स को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा निकल के आता है नंबर वो आता है 1237, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कैल्सी में। तो 1237 को हम यहाँ पे मार्क करते हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पे पर्टिकुलर लेवल से मार्केट रिजेक्शन डाला है, राइट? लेकिन एक चीज को मैं बता दूं आपको कि जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि एक नंबर हमें ऐसा देखना होगा जो कि जोन्स के रूप में हमें यहाँ पे सपोर्ट करेगा, जिसमें हमारी सिक्योरिटी और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इसमें हमें 1 पॉइंट्स 1 to 2 पॉइंट्स, मैं 1 पॉइंट्स बोल रहा हूँ, आप 1 पॉइंट्स का एक बफर के तौर पे, एक जोन्स क्रिएट करने के तौर पे आप मार्क कर लीजिएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1237 आया था, इससे एक रुपए 1 पॉइंट्स कम जो है 36 को हम मार्क कर लेंगे, ये एक जोन क्रिएट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? लास्ट वीडियोस को जिसने देखा होगा वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे बात करते हैं इस जोन पे, आप देख रहे होंगे 1243 में, मैं यहाँ पे फिर से कर देता हूँ, 1243 + 7 आपका जो नंबर आता है 1250 आता है, मैं यहाँ पे 1250 को मार्क कर देता हूँ। और चूंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसका हाई भी 1250 ही है, 1250 को मार्क कर दिया और प्लस वन करेंगे तो 51 हो जाएगा। अगले दिन का सपोर्ट्स आप देख सकते हैं और रेजिस्टेंस देख सकते हैं क्या बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे, राइट? लोस के पास गया नहीं तो मैं लो को दिखा भी नहीं रहा हूं आपको। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एक बार को, इस लेवल पे 1194, मैं यहाँ पे फिर से मार्क करता हूँ 1194 + 7,
जो नंबर निकल के आया वो आया 1201। मैं यहाँ पे 1201 को मार्क करना चाहता हूँ। सो 1201 इज हियर राइट, दिस वन। 1201 प्लस 1 हो जाता है 1202, दिस वन राइट। इसके ऊपर से मार्केट, अब देखिए प्रेशर ज्यादा रहेगा तो डेफिनेटली वो बिना जो है रेजिस्टेंस को माने हुए ही ब्रेक कर देगा। हमें ये देखना है कितनी दफा मार्केट हमें देख रहा है, मतलब हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है राइट। यहाँ पे डाउन साइड में तो 79 है, बहुत नीचे है ठीक है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं फटाफट से ये लेवल्स पे, देखिएगा 1191 राइट। सो यहाँ पे हम 1191 पुट करेंगे, 1191 प्लस 7, नंबर निकल के आया 1198 ठीक है। अब ये 1198 ये हो गया, प्लस 1 हो जाता है दोस्तों एक लेवल, जैसे कि सिक्योरिटी के तौर पे 1199। आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक इसी लेवल से धड़ाम हुआ है। डाउन साइड के लिए भी चेक करें तो 1180 माइनस 7 हो जाता है 1173 राइट, 1173। अब मैं इसको 73 को मार्क करना चाहूं तो ये आपका 73 आ जाएगा, 73 ये एक जोन हो जाएगा, इसमें ही मार्केट घूमने की कोशिश करेगा राइट। चलिए और पीछे हम देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देख लीजिए आप 1190 जो कि लो है इसका, फर्स्ट कैंडल का 1190 माइनस 7 करेंगे फ्रेंड्स तो इसका जो नंबर निकल के आएगा वो आएगा 1183। तो मैं यहाँ पे 83 को मार्क करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं 83 हो गया, और चूंकि 1 पॉइंट को हमें और जो है इंश्योरेंस के तौर पे, मतलब एक जोन्स के रूप में क्रिएट हम करेंगे तो ये जो आएगा वो आएगा 82। आप देख सकते हैं पर्टिकुलर मार्केट इसी रेंज के पास आया हुआ है। एक बार हाइस को देखते हैं तो 1101 ये यहाँ तक गया नहीं चूंकि बहुत ऊपर होगा, लेकिन सपोर्ट जो है क्या इसने मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया या नहीं किया, मेन बात जो है वो ये है ठीक है। कहीं भी कुछ भी, जैसे 1221 राइट, तो यहाँ पे हम एक बार पुट कर लेते हैं फटाफट से 1221 माइनस 7 और ये आ जाएगा 1214 है ना, तो यहाँ पे 1214 राइट। अब 1214 और एक जो हो जाएगा 1213 हो जाएगा, मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ये देखिएगा मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक किया वो डाउन साइड को, अब बाद में किया इसने सपोर्ट्स के बाद रेजिस्टेंस भी क्रिएट करने की कोशिश करी थी, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया नहीं। मेन मुद्दा ये है ट्रेड करना कैसे करना है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिएगा 1226 राइट, तो ये आ जाएगा 1233 आई थिंक सो है ना, यहाँ पे देख लेते हैं 1226 प्लस 7 1233 राइट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 1233, तो दिस वन इज 33 एंड द वन बफर ठीक है, ये लेवल हो जाएगा। आप देखिए इसको रेजिस्टेंस के तौर पे लास्ट मार्केट यहीं पे ठहर गया राइट। आप कहीं पे कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे मार्क कर लीजिए 1234 34 प्लस 7 राइट, तो ये हो जाएगा 41। यहाँ पे 41 को मार्क कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट से और प्लस 1 हो जाएगा 42, ये लेवल हो जाएगा। आप देखिएगा मार्केट यहीं से गिरा या नहीं गिरा। डाउन साइड की बात करें तो 1223 मैं यहाँ पे फिर से ले जाता हूँ, 1223 माइनस 7 1216, हियर इज 1216 ठीक है। तो ये 1216 हो गया, माइनस 1 हो जाएगा 1215। क्या मार्केट ने यहाँ से गिरा यहीं तक आया क्या? मतलब कहने का ये है दोस्तों कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हम फॉर्म कर रहे हैं, मार्केट कितनी दफा ऐसा है जो रिस्पेक्ट कर रहा है, मार्केट क्या उसको रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो आप उसको जो है आप उस पर प्रैक्टिस करके और भी ज्यादा जो है प्रैक्टिस करके इजी वे में आप अपना ट्रेड कर सकते हो। देखिए एंट्री और एग्जिट का मैं फॉर्मूला यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि आपको कैसे जो है यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर तरीके से आप काम कर सकते हो। अपना बेस्ट एंड बेस्ट स्टॉक को चूज कीजिए और चूज करने के बाद से आप उस पर लेवल्स डालिए, फटाफट से 15 मिनट के बाद से आपको लेवल मिल जाएगा, आप वहाँ पे बाय और सेलिंग कर सकते हैं राइट। होप सो वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा होगा। लास्ट टाइम मैं फिर से यही बोलूंगा आपको कि कम से कम जब आपके जब कोई मेहनत करता है प्लीज आप उसका सपोर्ट तो कीजिए। अगर मैं आपको क्लियर कट बोलता हूँ पहले आप प्रैक्टिस कीजिए राइट, देखा ठीक है, और उसके बाद कम से कम 1 लाइक तो बनता है इतनी मेहनत पे ठीक है, नहीं भी तो एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है, कुछ भी कमेंट्स तो बनता है ना। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए राइट। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।